नमस्कार किसान भाइयों, आधुनिक युवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। और हम जो सोयाबीन की खरपतवार नाशक या निचारा मार जो दवा आती है, जो 72 घंटे के अंदर जो दी जाती है, उसकी बात करने वाले हैं। तो यह है स्ट्रॉन्ग आर्म का रिजल्ट, आप देख सकते हैं। आज सोयाबीन की बुआई को करीबन 15 दिन हो गए हैं और चारा आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है कहीं से कहीं तक। तो स्ट्रॉन्ग आर्म का रिजल्ट भी अच्छा है। इसका स्प्रे जो हमने 1.25 एकड़ में एक पाउच डाला है, जो 500 550 के आसपास पड़ता है, तो उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कैसा उसका रिजल्ट है स्ट्रॉन्ग आर्म का। ये 20-24 सोयाबीन है RBS की, राजमाता विजय राजे सिंधिया जो इंस्टीट्यूट है उससे अनुसंधान करके बनाया गया है। अभी तक तो कोई भी खरपतवार दिखाई नहीं दे रही है और कंपनी 40 दिन का बोलती है कि 40 दिन तक जो है चारे पर यानी खरपतवार पर नियंत्रण इसका रहता है। तो सोयाबीन की बुआई के बाद हमने अगले दिन उसका स्प्रे किया, तो आप देख सकते हैं बढ़िया रिजल्ट रहा उसका। और 15 दिन हो चुके हैं, बढ़िया रिजल्ट है इसका भी। आप स्प्रे कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने कौन सी दवाई का स्प्रे किया हमें भी बता सकते हैं कैसा रिजल्ट रहा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, वो जो कोई सी भी दवा हो जो 72 घंटे के अंदर बुआई के बाद देने वाली है, उसका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है कि जहाँ पर भी जल का भराव होता है, यानी कि जहाँ पर पानी आपके खेत में भराता है, वहाँ पर बिल्कुल भी इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप देख सकते हैं ये सोयाबीन की ऐसी कंडीशन हो गई है। ये थोड़ा सा क्षेत्र है, ज़्यादा नहीं है हमारा, यहाँ पर कुछ पानी जो है वो बारिश का हल्का सा भरा जाता है, तो वो उस पानी के कारण जो जल भराव होता है उसके कारण ये सोयाबीन की ये कंडीशन हो गई है। हालांकि सोयाबीन उगी है पर फिर भी बहुत ख़राब कंडीशन है। अगर आपके भी खेत में अगर पानी का ऐसा भराव होता है, बारिश का पानी थोड़ा बहुत भी अगर भराता है बारिश होने के बाद में, तो उसका वहाँ पर आप स्प्रे ना करें। उसके लिए आप बाद में ही जो हम डालते हैं ऊपर से खरपतवार नाशक 20 दिन के आसपास जो सोयाबीन में डालते हैं उसी का स्प्रे करें, नहीं तो आपके सोयाबीन को जो है भारी नुकसान हो सकता है। या तो वो उगने नहीं देंगे या उगेंगे तो इस प्रकार से उनकी कंडीशन हो जाएगी। और बाकी आप देख सकते हैं जहाँ पर पानी का भराव नहीं होता वहाँ पर सोयाबीन कैसी है। तो एक जो साइड इफ़ेक्ट है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें किसान भाई, ताकि कोई नुकसान हो। बाकी ओवरऑल अच्छा रिजल्ट रहता है जो 72 घंटे के अंदर जो भी दवाई देते हैं हम, जैसे कि टाटा की मार्क है या स्ट्रॉन्ग आर्म है या अथॉरिटी नेक्स, दोनों का वीडियो बनाया हुआ है मैंने। स्ट्रॉन्ग आर्म भी डाली है और अथॉरिटी नेक्स्ट भी डाली है, तो दोनों का रिजल्ट बढ़िया रहा। आप वीडियो के माध्यम से खुद भी कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सी दवाई अच्छी है। मैंने दोनों का वीडियो बना के डाला है, आप देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।